ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मधुमिता हत्याकांड मामले को लेकर आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमर मणि त्रिपाठी और पत्नी मधुमणि की रिहाई का आदेश जारी हुआ है। राज्यपाल की दी गई दया याचिका के तहत रिहाई के आदेश दिए गए हैं। अमर मणि और मधुमणि 16 साल की सजा पूरी कर चुके हैं। अमर मणि मधुमणि फिलहाल गोरखपुर जेल में बंद हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, दया याचिका राज्यपाल ने स्वीकार कर ली है और समय से पहले दोनों की रिहाई होगी। तो 16 साल की सजा ये पूरे कर चुके हैं अमर मणि और मधुमणि। आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे मधुमिता हत्याकांड मामले को लेकर और अब उनकी रिहाई का आदेश जारी किया गया है। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपना कुंदा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर बीजेपी अपनी सक्रियता को बढ़ाने के लिए रणनीति के तहत काम कर रही है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का 27 अगस्त को लखनऊ का दौरा है और इस दौरान बीएल संतोष सोशल मीडिया की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में हर लोकसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया के संयोजकों को बुलाया गया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मऊ में बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐसा बीज बो दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को दगा कारतूस बताया है। ओपी राजभर का ये बड़ा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर और साथ ही उन्होंने ये भी कहा यूपी में अब यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने वो बीज बो दिया कि अब यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, कभी नहीं बनेगा। अब उनको बनाना पड़ेगा, पटेल को बनाना पड़ेगा, मौर्या को, चौहान को, बिंद को, निषाद को, राजभर को, तब सरकार में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। अरे आप तो खुद किंग मेकर हो गए, आप तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बताइए। हम तो अपना काम करते हैं। अगर आप, अगर अखिलेश आपको, अखिलेश आपको मुख्यमंत्री बनाए तो बनेंगे आप? नहीं बनने जाएंगे, लाभ खाए जाएंगे वहाँ। भैया देखा दगा हुआ कारतूस है जी, देख ला नहीं सपा वाले उन्होंने जूता चलाई देना। और वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।